दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसा टाइप का एक सपोर्ट बनाया जो कि 300 का ही इसके ऊपर रेशियो लगने वाला है, और इसको मैंने वॉल माउंटेड किया है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट उसी तरह एक है। असल में यहाँ पर एक कैमरा का कुछ मशीन बैठने वाला है जो कि यहाँ पर सब भी उसका ओयर आने वाला है। और एक देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 200 का लगाया और यहाँ 100 का, और एक नीचे को 150 का आने वाला है। तो उसके लिए मैं एक रेशियो कुछ कटिंग करके 300 का कुछ इस प्रकार से बनाया है, देख सकते हैं। ये 200 का है और ये 150 का है, और एक वहाँ यहाँ पर हमको 100 का लगाना पड़ेगा। ओके, ये एक टाइप का एक जंक्शन बॉक्स हो गया, और यहाँ से नीचे को उसका जो मशीन बैठेगा इधर एक कटआउट हो जाएगा, वही हिसाब से ये बनाया गया, देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट 150 को रिड्यूस कर सकता था, लेकिन वो इधर से डायरेक्ट इधर तक कटिंग हो जाएगा तो ये पीस जो वेस्ट हो जाता है थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। इसको अच्छा लुक देने के लिए कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया। ओके, और बाद में ये 40x45 डिग्री करके 150 का बैंड बना दिया। इसका ऊपर का हिस्सा मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। और ये सिंगल पीस है, यहाँ पर कटिंग नहीं हुआ है। ओके, ये पीस यहाँ तक ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद इधर से एक छोटा पीस मैंने जॉइंट किया है, और ये साइज का 200 का मैंने रेडियस डायरेक्ट कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फाइनल स्टेज में कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है, और बाकी काम रहा इन लोग का कंट्रोल पैनल जो इधर लगने वाला है वो बाकी रह गया। ये हमारा 100 वाला जो बोल रहा था वो लिंक कर दिया, और ये 150 वाला और 200 का ये साइड ही इधर लिंक कर दिया यहाँ पर। ओके, और इसका सपोर्ट लगा फाइनल में कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। नीचे से कुछ इस प्रकार का इसका लूप है। यहाँ से ये नीचे बेसमेंट 2 है, उधर जाएगा उनका केबल। ओके,